भागलपुर के सदर अस्पताल में अब एक ही छत के नीचे मरीजों को कई सारी सुविधाएं मिलेगी। 2,83,00,000 की लागत से मॉडल सदर अस्पताल का भवन बनकर तैयार हो गया है। चिकित्सा पदाधिकारी राजू कुमार और मैनेजर आशुतोष कुमार नए भवन का लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मॉडल सदर अस्पताल में अत्याधुनिक मशीन लगाई जा रही है। अस्पताल को जल्द से जल्द शुरू करने की तैयारी में प्रबंधक जुटा हुआ है। मॉडल सदर अस्पताल के शुरू हो जाने से भागलपुर सहित आसपास के कई जिलों के लोगों को इलाज कराने में आसानी हो जाएगी। SICL के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और उसमें अभी मैक्सिमम काम हो चुका है। जो मैंने इंस्पेक्शन किया था, सिर्फ लिफ्ट बाकी है। लिफ्ट लगने के बाद तुरंत बाद उसको इनॉग्रेट करके और आम जनता के लिए वो इस महीने के अंतिम सप्ताह तक सर शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, हम लोग प्रयास में है, क्योंकि लिफ्ट में कम से कम 15 दिन समय लगता है, इंस्टॉल करने में भी उसको 8 से 10 दिन समय लगता है। तो हम दबाव बनाए हुए हैं और जैसे ही लिफ्ट आ जाता है आम जनता के लिए वो। आज हम लोग आए हैं निरीक्षण में ये देखने के लिए कि कहाँ तक काम पूरा हो गया है। तो निरीक्षण के क्रम में देख रहे हैं कि लगभग 95% काम पूरा हो गया है और बहुत जल्दी इस महीने का अंत तक हो सकता है कि हम लोग इसको हैंडओवर लेकर के काम शुरू कर सकते हैं। क्या सर सब सुविधाएं होगी अस्पताल में? पूर्व में जिस तरह से सदर अस्पताल में लोग आते थे तो उन लोगों को दिक्कत होती थी कि दवा कहीं और बट रहा है, महिलाओं का डिलीवरी कहीं और हो रहा है, बच्चे कहीं और भर्ती हो रहे हैं, तो वो सारी समस्याएं जो है वो समाप्त हो जाएगी और सारी सुविधाएं उनको एक छत के नीचे ही मिलनी शुरू हो जाएगी, जिससे उन लोगों को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इलाज में आसानी पड़ेगी। इस साल गर्मी की शुरुआत से ही बिहार के भागलपुर, बांका, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर, रोहतास, मुंगेर, लखीसराय और जमुई में पानी के स्रोत सूख गए हैं, जिसकी वजह से लोगों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जल विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के किसी भी जलाशय में 50% भी पानी नहीं है। इस मामले में अधिकारियों का कहना है कि बिहार में करीब 23 जलाशय में से 16 जलाशय में 10% से भी कम पानी बचा है। वहीं जमीन में पानी का लेवल कम होने की वजह से हैंडपंप भी सूख चुके हैं। बिहार में पानी की किल्लत के पीछे सबसे बड़ी वजह है मानसून का देरी से प्रवेश। बिहार में पिछले 5 सालों से मानसून की शुरुआत देरी से हो रही है, जिसकी वजह से बारिश कम हो रही है, जिसका असर कृषि से लेकर आम लोगों पर पड़ रहा है। पीने की पानी में कमी की वजह से लोगों में संक्रमण भी फैल रहा है। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत कई अवयव में काम करते हैं। सबसे जैसे इम्पोर्टेंट रहता है हम लोगों की तालाबों का जीर्णोद्धार करना, तो करीबन अराउंड मनरेगा के तहत हम लोगों ने 600 से 700 तालाबों का जीर्णोद्धार पूरे जिले में करवाया है। उसके साथ साथ भी अभी आचार संहिता के हटने के बावजूद हम लोगों ने नए स्कीम्स भी लिए हैं, जिसके तहत मनरेगा के अंतर्गत कार्य कराया जा रहा है। साथ में ही कृषि विभाग के द्वारा कहलगांव में एक भू संरक्षण के अंतर्गत योजनाएं ली गई है, जिसमें अमृत सरोवर इन तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। साथ में ही जो माइनर इरीगेशन डिपार्टमेंट है उनके द्वारा भी 28 नई योजनाओं का लोगों ने DPR तैयार किया है और विभाग को भेजा गया है, जिसकी स्वीकृति के बाद वहां पे भी काम चालू किया जाएगा। साथ साथ ही हम लोग वृक्षारोपण भी करते हैं और 5,00,000 वृक्षारोपण का हम लोगों का टारगेट है इस बार। पिछले साल भी हम लोगों ने किया था मनरेगा के तहत, साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी इसको कर रहा है। इसके अतिरिक्त पीने के पानी को लेकर के हम लोग पूरी टीम बनाए थे पंचायत सचिव और PRS के माध्यम से, कि जितने भी चापाकल जो मरम्मती योग्य यहाँ खराब है उनका सर्वे भी हम लोगों ने करवाया है। सर्वे रिपोर्ट कंपाइल किया जा रहा है ताकि हम लोग PHD विभाग से अविलंब इसकी मरम्मती हम उनके द्वारा करवाई जा सके। और साथ में भी हम लोग नल जल का रिव्यू करते हैं कि जहां पे भी कोई मरम्मती योग अगर ऐसी सूचना प्राप्त होती है तो अविलंब उसको रिपेयर कराया जा सके। देखिए, अभी जो भीषण गर्मी पड़ रही है ये तो बिल्कुल महामारी का रूप ले रही है, अकाल का रूप ले रही है। इस बार भारत में 52.3 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच चुका है और 56 से 60 डिग्री के बीच आदमी और पक्षी किसी का भी अस्तित्व बचना मुश्किल है। अभी आप देखेंगे कि आमतौर पर पक्षियों की चोंच खुली रह रही है, वो अपना मतलब हपस रही हैं, जल की कमी हो गई है, जलाशय सूखते जा रहे हैं। ऐसे में पक्षियों और आदमी दोनों का बचना मुश्किल है। जब जलाशय ही सूख जाएंगे तो हमें न तो पीने के लिए भूमिगत जल मिलेगा, न हमें वनस्पतियाँ मिलेगी, न हमें हमारे पक्षी रहेंगे, न जानवर रहेंगे, अंततः हम भी नहीं रहेंगे। तो सरकार को ने जब एक तरफ तो इसके महत्व स्वीकार कर रही है, उसको ध्यान देना चाहिए, विशेष रूप से जब बरसात में बाढ़ का पानी घटने लगे उस समय जलकुंभी को यहाँ से अगर समेट दिया जाए, इसको निराकरण किया जाए, तो यहाँ वापस इस जाड़े में हजारों हजार पक्षी फिर से देखने को मिल जाएंगे, ये मेरा पूरा यकीन है।
भागलपुर में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला का शव बरामद हुआ। घटना जोगसर थाना क्षेत्र के दीपनगर काली ठाकुर लेन गंगा किनारे की है। मरने वाले की पहचान सुमित चौधरी की 35 वर्षीय पत्नी काजल देवी के रूप में हुई है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि हत्या कर शव को लटकाया गया है। मृतका के शरीर पर कपड़े भी फटे हुए हैं। शव गमछी के सहारे बांस के ठाट में लटका मिला। घटना की जानकारी लोगों ने पति को दी। सूचना के बाद पति घटनास्थल पर पहुंचे। पड़ोस के ही लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। मालूम हो कि पति सुमित चौधरी ई रिक्शा चलाकर परिवार का भरण पोषण करता है। घर में महिला अकेली थी। 3 बच्चे ननिहाल में रहकर पढ़ाई करते हैं। इधर घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी। मामले को लेकर मृतका की मां रेखा देवी ने बताया कि बिहार सरकार की जमीन पर वो वर्षों से रह रही थी। लोन से पैसा उठाकर रवि और संतोष नामक व्यक्ति को दिया था। दोनों की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन अब जमीन पर रहने के लिए फुटबा नामक शख्स पैसे देने के लिए दबाव बना रहा है। फुटबा ने मृतका काजल देवी को 8 दिन का समय दिया था और घर को खाली करने के लिए कहा था। मृतका की मां ने आगे बताया कि आसपास के लोगों ने मिलकर उनकी हत्या कर शव को लटकाया है। फिलहाल मामले को लेकर पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। घटना का कारण है फुट्टू इसको खाली करने का समय दिया था। इतना सरकारी घर है, 10 साल से मेरा बेटी रह रहा था, लेकिन एको घर नहीं था। इस पर नोनिया सब यहाँ पर अगल बगल वाला सब लगल हुआ था। मेरा बेटी कहीं नहीं जाता था, मेरा बेटी घरे में रहता था, तीनों बच्चा का हम रखते थे। मेरा दामाद टोटो चलाने के लिए गया था, अब फुटवा इसको 8 दिन का मोहलत दिया था घर खाली करने के लिए। इसमें सामा भी शामिल है, सामा भी फुटवा वहां रहता है। बोला तकनी जमीन में बसाया ना, रविया था संतोष बाबू मर गया, मेरा बेटी लोन उठा उठा के उस लोग को पैसा दिया, वो मर गया। फुटवा कभी ना आया तकनी, आप कहता था खाली करो मेरा बेटी को 8 दिन का समय दिया। हाँ मार के टांग दिया है। मेरा दामाद टोटो चलाने गया था, सब बच्चा तीनों का हम रखते हैं, कोई नहीं था। हाँ मार के टांग दिया है। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी। मेरा स्नेह अस्पताल जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया, और एक नायाब मशीन क्रिटिकूल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है, और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए कर रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है, तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकते हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर जिला अंतर्गत लमटिया थाना क्षेत्र निवासी नीरज कुमार चौधरी का शव बीते दिनों नाथनगर थाना क्षेत्र के जख बाबा बांध के पास मिला था। बताते चले कि यह हत्या जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। इस हत्याकांड के अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक नगर एवं पुलिस उपाधीक्षक नगर 2 के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। उक्त गठित टीम द्वारा इस हत्याकांड के अभियुक्त सूरज कुमार, पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी, पिता नंदकिशोर चौधरी तथा दिलीप चौधरी, पिता कैलाश चौधरी को पासी टोला से 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं एक अभियुक्त गिरफ्तारी हेतु छापेमारी जारी है। कल नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 15 जून को सुबह 8 बजे पुलिस को सूचना प्राप्त हुआ कि एक
जखबाबा बांध के पास नीरज कुमार चौधरी का शव, गला काटा हुआ शव प्राप्त हुआ है। इस संबंध में SSP सर के द्वारा निर्देशित करते हुए टीम गठित किया गया और इसमें पुलिस के द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए मौके पर FSA की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया और DIU की टीम के साथ अनुसंधान प्रारंभ किया गया। और इसमें जो अभी तक गिरफ्तारी हम लोग किए हैं, कुल 4 अभियुक्त की संलिप्तता इसमें प्रकाश में आया है, जिसमें से मुख्य 3 अभियुक्त की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें सूरज कुमार पिता योगेंद्र चौधरी, विकास चौधरी पिता नंदकिशोर चौधरी, दिलीप चौधरी पिता कैलाश चौधरी, तीनों पासी टोला थाना लालमटिया के रहने वाले हैं। जो घटना का कारण यह निकल के आया है पूछताछ के में, इसमें जमीन संबंधित मामला में कुल 8 रुपये लेकर पैसे को हड़पने के नियत से मृतक की हत्या की गई है। इसमें जो चौथा अभियुक्त है वो फरार है, उसके लिए छापेमारी की जा रही है, उसको जल्द से जल्द हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। इस घटना का उद्भेदन, सफल उद्भेदन तथा गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है। अभी घटनास्थल से हम लोगों ने जो अभियुक्त का जो कपड़ा भी जो है हम लोग बरामद किए हैं तथा स्वीकृति बयान भी है और तकनीकी साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध है और इन लोगों के द्वारा जो स्वीकृति बयान इनके मोबाइल में भी साक्ष्य उपलब्ध है, जिससे ये पूरा घटना का सफल उद्भेदन किया गया है और अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। भागलपुर जिला अंतर्गत सनहौला थाना क्षेत्र के कमालपुर गांव की एक किशोरी ने अनाज की कीटनाशक दवा खा ली, जिससे उसकी जान चली गई। मृतक किशोरी की पहचान कमालपुर निवासी बीवी निशा की पुत्री 16 वर्षीय अफसाना के रूप में की गई है। मृतक किशोरी की मां कहती है कि विगत रात्रि करीब 9 बजे बहन से घरेलू कार्य को लेकर नोकझोंक हुई। इसकी तबीयत पहले से थोड़ा गड़बड़ थी। घर में चूहे को देने के लिए अनाज की गोली रखी थी, तभी बहन का गुस्सा सिर पर सवार था। बच्ची ने कीटनाशक दवा खा ली। आनन फानन में पहले सनहौला रेफर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने स्थिति गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। मायागंज अस्पताल पहुंचते ही अफसाना की मृत्यु हो गई। कोई कारण एक पहले मन खराब थे, बुखार लगे लो, अब बुखार लो बहन करे सब बहन तो जनबे करे खून केच के तो खाना बना जा, हमें खाना ना बनाबो, हमें गोबर ना उठाबो, थरिया ना मलबो, हमरा परन भसे जो हमरा रोग नज करे रे, देखे हम सब चीज बढ़िया छियो, भीतरली बुखार जो जाँच ताँच करा लिए खून तून पर खून नहीं बदनाम आ देखे सब चीज ठीके जी खून नहीं जन परन भसे ले तर दवाई दारू सब चली रही अब वह बहनी में टंटा होल बैग है जो अनाजर गोली भूल गोली खा हाँ अनाजर आधो टा गोली खा हम मूसा चूहा के दर धरले लिए गमो तमाम दे लिए मई तक आप हेकरो दवाई छे कहिया खेल छो अरे सने रात 9 बजे डॉक्टर के ले गेल छो तुरंत हॉस्पिटल ले गेल सनला हॉस्पिटल में आई सा न इंटरनेशनल आर्ट ऑफ गिविंग दिवस पर बिहार राज्य यूनिट राज्य के 125 स्थान पर 15 जून को कार्यक्रम आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में मेडिकल चेकअप कैंप, ब्लड डोनेशन कैंप, समाज के गरीब लाचार बीमार लोगों के बीच खुशियां बांटने जैसे कई कार्यक्रम आयोजित होंगे। इसको लेकर आर्ट ऑफ गिविंग बिहार राज्य यूनिट के अध्यक्ष नीलकमल राय ने प्रेस वार्ता कर कहा कि आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत, जिन्होंने अपना जीवन गरीब लाचार कमजोर आदिवासी और समाज के अपेक्षित लोगों के उत्थान को समर्पित किया था, उनके जीवन के दर्शन आर्ट ऑफ गिविंग को विश्व स्तर पर पहचान एवं मान्यता कल ही के दिन मिली थी, जिसको लेकर 17 जून को पूरे विश्व के कई देशों में इस तरह का आयोजन होगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में धन्यवाद ज्ञापन आर्ट ऑफ गिविंग के संरक्षक अजय कुमार ने ज्ञापित करते हुए कहा कि डॉक्टर अच्युत सामंत का जीवन संघर्षों का जीवन रहा था। उन्होंने कहा कि बिहार के 38 जिलों में सालों भर अभियान चलाकर आर्ट ऑफ गिविंग के संस्थापक डॉक्टर अच्युत सामंत का जीवन दर्शन आर्ट ऑफ गिविंग पहुँचाने का कार्य किया जाएगा। विश्व स्तर पर अच्युत सामंत सर जो इसके संस्थापक है, उनके जीवन का दर्शन है आर्ट ऑफ गिविंग और ये पिछले 11 वर्ष से समाज के जो निचले पिछले कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके बीच हम लोग जाकर कार्यक्रम करते हैं, उनके लिए खुशियां लाने का कार्यक्रम करते हैं और इस वर्ष का थीम है लेट्स AOG आर्ट ऑफ गिविंग, आए आर्ट ऑफ गिविंग से जुड़े। इसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग बिहार में ये हम बिहार आर्ट ऑफ गिविंग के प्रेसिडेंट हैं, साथ में अजय सर हैं जो संरक्षक हैं, निखिल बाबू हैं, राजेश जी हैं, मृत्युंजय भैया हैं, ये जॉइंट सेक्रेटरी है, तो हम लोग पूरे बिहार में कल 125-30 जगहों पर आर्ट ऑफ गिविंग का कार्यक्रम करके लोगों से जुड़ने का प्रयास करेंगे। जो कमजोर लाचार वर्ग के लोग हैं उनको जो भी हो सकेगा संस्थान की तरफ से हम लोग मदद भी करेंगे और 38 जिले बिहार में हैं, उसमें से 130 जगहों पर ये कार्यक्रम करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज जो समाज में विषमताएँ आई हैं, जो एक दूसरे से दूरी बना के रखे हैं, आर्ट ऑफ गिविंग का यही उद्देश्य है कि हम अगर दूसरों के लिए थोड़ा भी काम करते हैं, चाहे सहयोग आप तन से करें मन से करें,
ढंग से करें, अगर मन से भी अगर किसी का सहयोग करते हैं तो ये एक तरह का आर्ट ऑफ गिविंग है। सुल्तानगंज के अजगैवीनाथ धाम में गंगा दशहरा को लेकर बिहार झारखंड के हजारों श्रद्धालुओं ने गंगा में डुबकी लगाई। आपको बताते चले कि आज के दिन मां गंगा जन्मोत्सव होने पर खासकर महिलाएं गंगा स्नान कर मां गंगा को आम का फल फूल प्रसाद चढ़ाती हैं। सुख शांति और सारे कष्टों के निवारण हेतु खासकर महिलाएं आज के दिन मां गंगा का पूजा पाठ कर एवं गंगा स्नान करने के लिए गंगा घाट पहुँचते हैं। सुल्तानगंज में बिहार झारखंड के शिव भक्त पहुँचे, इसके लिए गंगा घाट में नगर परिषद के द्वारा छोटी नाव की व्यवस्था की गई, साथ ही गंगा घाट की बैरिकेडिंग की गई। अंचलाधिकारी रवि कुमार के द्वारा गंगा घाट में एसडीआरएफ की टीम को लगाया गया। थानाध्यक्ष प्रंजन के द्वारा गंगा घाट से लेकर कच्ची कावरिया पथ तक सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए। आज का दिन ये महत्व है क्या जो आज गंगा स्नान करने आ रहे हैं, आज गंगा दशहरा है और इसका मान्य स्नान करने से सबकी मनोकामना पूर्ण होती है और गंगा दशहरा के दिन शुभ माना जाता है और इसको शुभ माना जाता है, इसलिए यहाँ पे श्रद्धालु की भीड़ होती है। दशहरा के दिन नाना आना चाहिए, बहुत सफल मिलता है, पुण्य मिलता है, धन संपत्ति मिलता है, सब चीज मिलता है। साल में एक बार आते हैं गंगा दशहरा में नहाने के लिए। गंगा दशहरा बढ़िया दिन से है, गंगा लहाना जरूरी है, सब कुछ बढ़िया हो, सब अच्छा है, सब अच्छा है। कहाँ से लो छोटी करे ए बाबा फिर से निर्मल का दा हमारा गंगा माई के, ए बाबा फिर से निर्मल का दा हमारा गंगा माई के। बोले गंगा मैया की।